आज जो टॉपिक है वो टायर पंचर कैसे रिपेयर करें। चलिए शुरू करें। जैक लगाने से पहले आप लोग पहले बोल्ट को पहले ढीला कर लें, जैसे कि ऐसे। चारों के चारों को ढीला करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जैक लगाइए जैसे दिखा रहा हूँ। आपके पास हो सके तो ये जैक नहीं मिलेगा, बट ये गैरेज में मिलता है। आपके पास जो गाड़ी में दिया हुआ है उससे भी हो सकता है। ये पोजीशन देख के आप लोग लगा लीजिए। उठा लेने के बाद फिर टायर को खोल लेना पड़ेगा। देखिए मेरे वीडियो और देखिए कैसे करता है ये। जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ ये मेरे दोस्त का गैरेज है, उसके गैरेज में मैंने शूट कर रहा था और इसीलिए पूरा फुल वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। जितना हो सके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। टायर को खोलने के बाद हवा देना पड़ेगा, जैसे ये हवा दे रहा है, हवा देना पड़ेगा। हवा देने के बाद आप लोग पानी से छिटकाव करें, उसके बाद चेक करें कहाँ पे किला घुसा हुआ है, उसको निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे वीडियो को बना रहे हैं हम लोग, देख के सीखिए। तो आप लोगों के पास हो सके ये पानी छिटराव का चीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन पानी यूं ही पानी आपके पास पीने हुआ या कुछ भी पानी मिले तो उससे भी चेक कर सकते हैं। ये बताने की कोशिश, ये मिल गया देखो, ये यहाँ पे खिला हुआ था। इसको पहले इसको अंदर डालना पड़ेगा, डालने के बाद इसको फिर निकालना पड़ेगा। टायर है, मैं बोलना भूल गया था, ट्यूबलेस टायर है ये। और ट्यूब वाला भी अभी तो बंद हो गया शायद, आप लोगों के पास ट्यूबलेस होगा। ट्यूबलेस होगा तो ऐसे ही पंचर बनाते हैं, और ट्यूब अगर होगा तो ट्यूब खोल के फिर बनवाना पड़ेगा। ये सही रहता है, और वो भाई खोल के भाई बहुत परेशानी। ये देखो हम लोग हवा भर लिए थे, हवा भरने के बाद 32 PSI हवा डाल रहे हैं। आपका मर्जी, आप कितना ढालते हैं आपके गाड़ी में वो आपका मर्जी, आप डाल लीजिए। उसके बाद लगाइए गाड़ी, टायर लगा लीजिए। टायर लगाने के बाद चेक कर लीजिए हवा प्रेशर ठीक है नहीं। मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अभी जो वीडियो सब आए है ये बाइक रिलेटेड और कार रिलेटेड वीडियो आएंगे,
आप लोग प्लीज़ शेयर और करना और सपोर्ट दिखाना प्लीज़।